अभी क्लास शुरू करने के पहले मैंने जब इसको ओपन किया तो बहुत सारे यहाँ पे इंक थे, वो इंक मेरे हाथों पे भी गिर गए। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये गंदगी नहीं है, ये एक्चुअली इंक गिर गया था। और मेरी बुक्स जो है ना, उस बुक में भी ये इंक देखो गिर गया है। ये जो जिसने इंक भरा है, लग रहा है उस बदमाश ने क्या किया है, सारा गुस्सा मेरे इस मार्कर के ऊपर दिखा दिया और जितने इंक थे सब इसके अंदर डाल दिए। गिरना ही था, मैं क्या करूं अब, मैं कैसे इसके काम करूं। बट एनीवे, कोई बात नहीं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप? देखो आज हमने पिछली क्लास को आगे बढ़ाना मेरे बच्चे, ये इंक ना क्या बताऊं, कोई बात नहीं, आज हमें पिछली क्लास को आगे बढ़ाना है। और आज हम थर्ड क्लास में एंट्री कर चुके हैं। चैप्टर का नाम हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फंडामेंटल। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को देखा था और हमने क्लियर कट आपको बताया था कौन से आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं, कौन से आइटम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। हमने कहा था कि एप्रोप्रिएशन में उन्हीं आइटम्स को लिखना डेबिट साइड में जो या तो पार्टनर के जो सर्विसेज है, पार्टनर का सर्विसेज माइंड एंड आपका बॉडी, या फिर जो पार्टनर का कैपिटल है उसके बदले में जो भी कुछ हम देते हैं वो आपका डेबिट किया जाएगा। ये बातें आपको याद है सर? हाँ, हमने पिछली क्लास में कहा था कि आज कुछ नई बातें करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे ये सोच रहा हूं कि आज ना नई बातें करने के बजाय हम पिछली क्लास के एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उस पे बुक से एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसी प्रोसेस में जरा आप आइए मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 8, आप जरा बुक निकालेंगे एंड आप यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 8 का। पिछली क्लास तक में हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देखा था, आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और हम क्वेश्चन में आएंगे सर सीधे 8। इसके पहले के सारे क्वेश्चन का क्या होगा आप चिंता ना करो, सब करेंगे, कुछ मैं करूंगा कुछ आप करोगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे आप। क्या बता रहा 8 में, मिल गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपका फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी सेकंड चैप्टर है। पहला तो आपका जीएसटी है, ध्यान रखना जीएसटी जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन 12th क्लास में भी आ चुका है। तो आपको एक्चुअली क्या करना है, वो क्लासेज मैंने आपको भेजी हुई है आपका जीएसटी के ऊपर में, जितनी क्लासेज आपके लिए एप्लीकेबल है उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ जाना आपने। अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा है तब भी पढ़ जाना, नहीं पढ़ा तब भी पढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आओ ना क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे। अनन्या एंड भावना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, रेशियो क्या बता रहा जी, इक्वल है यहाँ पे। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अनन्या ऑन ए ईयरली रेंट ऑफ 36,000। ध्यान देने वाली बात है कि जिस बिल्डिंग में आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो उस बिल्डिंग का मालिक फर्म नहीं है, अनन्या है मतलब पार्टनर, और अनन्या इसके बदले में 36,000 पर एनम के हिसाब से रेंट चार्ज करती है। ये रेंट मेरे बच्चे ये कहां जाएगा, प्रॉफिट लॉस में या एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। हमने देखा था कि रेंट जो हम पे कर रहे हैं अनन्या को वो उसके सर्विसेज या कैपिटल के बदले में नहीं है, हमने एक सर्विस उससे लिया हुआ है आपका बिल्डिंग का उस पे कर रहे हैं, सॉरी सर्विस कर रहे एक बिल्डिंग उससे लिया हुआ है हम उस पे कर रहे तो प्रॉफिट लॉस में जाता है। कहता है अनन्या इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम एंड भावना इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 40 लाख, यानी कि 40 लाख रुपीज का आपका नेट सेल्स है और उसमें 5% वो कमीशन डिमांड कर रही है। नेट प्रॉफिट कहता है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, ये कहता है आपका 5 लाख रुपीज का अमाउंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च। देखो ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये दीजिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने यहाँ पे शुरू किया। और जरा बताइए क्वेश्चन में आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से यहाँ पे क्या आता है जी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट का मतलब कि जो भी प्रॉफिट लॉस के आइटम्स है उन खर्चों को माइनस करने के बाद। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कुछ रेंट की बातें कर रहा है, तो मेरे बच्चे हमें सावधानी रहना पड़ेगा। ध्यान देना, क्वेश्चन के फोर्थ लाइन में कहता है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, रेंट बिना चार्ज किए बगैर, यानी कि प्रॉफिट जो बता रहा है दिस इज टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट जो आपको दिया हुआ है बिफोर रेंट, बिफोर रेंट ये अमाउंट कितना बता रहा आपको, 5 लाख रुपीज का अमाउंट आपका है, 5 लाख रुपीज का अमाउंट बता रहा है यहाँ पे, 5 लाख का अमाउंट है। अब जरा चेक करो, ये जो अमाउंट है हमें इनमें से उन खर्चों को माइनस करना होगा मेरे बच्चे जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं, जैसे कि रेंट जो आपका है, रेंट पेबल टू अनन्या, रेंट जो आपका पेबल है टू अनन्या वो आपका इसमें नहीं आता, हम उसको यहां से हटा देंगे। कितना अमाउंट बता रहा आपको रेंट, कहता है कि जो ईयरली रेंट है वो 36,000 का अमाउंट है, आप उस 36,000 को माइनस कर दो, यानी कि 4,64,000 का अमाउंट हो गया जो प्रॉफिट आपका ट्रांसफर किया जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा वो अमाउंट कितना हो गया जी, 4,64,000। आप समझ रहे हो ना, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो प्रॉफिट आएगा जो सारे प्रॉफिट लॉस के खर्चे माइनस करने के बाद, अगर इस प्रॉफिट को जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कोई भी एक्सपेंस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है अगर नहीं माइनस किया तो वर्किंग नोट्स में आप उसको माइनस करके सही प्रॉफिट निकाले और फिर उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करें। आगे पढ़ना, कहता है कि अब हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना जी, और डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि यहाँ पे अनन्या टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000, लो ना आप लिखो यहाँ पे टू सैलरी, हमने यहाँ पे सैलरी देना है और किसको, अनन्या, तो अनन्या के कैपिटल में ये अमाउंट जाके आपका ऐड हो जाएगा, अनन्या कैपिटल में, है ना, कितना अमाउंट बता रहा आपका सैलरी 1,20,000 पर एनम, हमें एग्जाम में देखना होता है कि ये पर एनम है कि पर मंथ है, अगर पर मंथ दिया रहेगा तो उसको हमें 12 से मल्टीप्लाई करके या जितने पीरियड का आप प्रिपरेशन अकाउंट बना रहे हो उतने से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना होता है। अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। भावना को कमीशन भी देना है हमने, तो हमने कहा टू कमीशन, हम लोग यहाँ पे कमीशन देने की बात कर रहे हैं और ये कमीशन किसको दिया जाएगा, भावना को, ये अमाउंट भावना के कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। जरा बताओ वो अमाउंट कितना बता रहा है, वो कहता है कि इट विल बी 5% ऑफ नेट सेल्स, और नेट सेल्स क्वेश्चन में कहता है कि 40 लाख रुपीज का अमाउंट है, तो मेरे बच्चे मैं वर्किंग यही दिखा देता हूँ, 40 लाख रुपीज का 5%, आप चाहो तो इस वर्किंग को वहां भी दिखा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट यहाँ पे जो है वो लिखना इम्पोर्टेंट है, 2 लाख रुपीज का अमाउंट, हमने कमीशन भी दे दिया, रेंट तो माइनस हो ही चुका है, सैलरी कमीशन हो ही गया, और भी कुछ कह रहा है क्या, नहीं सर, कहता है कि बस रेशियो जो इनके बीच में है वो इक्वल है। तो अब इसके बाद जो बैलेंस प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको जी, अनन्या का प्रॉफिट अनन्या के कैपिटल में एड हो जाएगा, और जो भावना का प्रॉफिट है वो भावना के कैपिटल में एड हो जाएगा, है ना, ये हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बताओ 464 में आपका 320 माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बच गया आपका, 464 में 320 माइनस किया तो 1,44,000 का अमाउंट, यही हुआ ना, मेरा कैलकुलेशन खराब है, आप देख लेना कहीं गलत ना कर रहा हूं, ठीक है। अब 144 को इक्वली यानी कि आधा आधा डिवाइड करना है, तो 72,000 का अमाउंट आपका यहां चला गया एंड 72,000 का अमाउंट आपका यहां चला गया, इस तरीके से हमारा यहां पे दोनों साइड 4,64,000 एंड 4,64,000 ये इक्वल हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, मुझे बहुत कुछ आपको आज कराने का मन कर रहा है लेकिन मैं जानता हूं क्या जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत सिंपल लगेगा, इसलिए क्योंकि आप इससे टिपिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन में ऑलरेडी आप कर चुके हैं, मतलब आज तो कुछ होने ही वाला नहीं है, आज तो जितनी सारी बातें आपके सामने से दिखेंगे ये हो गया बच्चे सर, हाँ तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप भी मिटा लो, माफ करो मिटाओ नहीं, आप तो अगले पेज पे चलो और हम फिर आगे बढ़ते हैं इसके, ये आज ना पता नहीं क्या हो गया है,
اس نے ایسا انک ڈال دیا ہے کہ سمجھ لو میری بات نا، دقت ہو رہی ہے، بٹ کوئی بات نہیں، اس کو تو مٹنا ہی پڑے گا، اس کو تو مٹنا ہی پڑے گا. یہ لیجیے، آپ ذرا آ جاؤ اگلے کوشچن کی طرف میں، کیا بتا رہا یہاں پہ کوشچن نمبر نائنتھ، نائنتھ پہ آپ آئیے ذرا دیکھتے ہیں. یہاں پہ بس دھیان رکھنا، جب بھی ہم کوشچن کو کرتے ہیں تو آپ کو بہت باریکی سے کوشچن کو پڑھنا ہوتا ہے. پر بچے دیکھا گیا ہے، سچ بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں، میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ایگزام میں بچے جو کوشچن غلطی کرتے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ کوشچن کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے، اینڈ کوشچن کو ٹھیک سے نہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر کے آ جاتے ہیں. کیونکہ پورے سال مشکل سے اگر دیکھو تو آپ کے بک میں ٹوٹل چیپٹرز ہی کتنے ہیں، 16 چیپٹرز ہیں پورے بک میں، 16 چیپٹرز ہیں. تو 16 چیپٹرز کا مطلب ہو گیا کہ 16 چیپٹر پہ، یعنی کہ ایک سال، اور ہمارے پاس 16 چیپٹرز کو صرف پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، وہ بھی سمپل سمپل. آپ دیکھ ہی رہے ہو یہ کوئی ٹف کام نہیں ہے، لیکن ایگزام میں پھر بھی اگر مارکس کم آتے ہیں تو ایک ہی ریزن ہے کہ آپ ڈر جاتے ہو ایگزام کے ٹائم پہ، یا پھر کوشچن کو غلط پڑھتے ہو. دونوں چیزوں کو ختم کرو، ڈر تو آپ کے اندر ہونا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کانفیڈنٹ ہو کے تیاری کر رہے ہیں. اور دوسری بات کہ آپ جب کوشچن کو پڑھتے ہیں بہت باریکی سے دماغ شانت کرتے ہوئے، ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوشچن نمبر 9، اگر ٹھیک سے نہ پڑھو تو غلطیاں ہوگی ہوں گی. سنو نا کیا بتا رہا، ارجن اینڈ بھیم آر پارٹنرز شیئرنگ پروفٹ لاسز ان دا ریشیو آف 3:2 وتھ اے کیپٹل آف 4 لاکھ 3 لاکھ ریسپیکٹولی. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. Bhim is to allow an annual salary of 30,000 which has not been withdrawn. میری بات سننا، مطلب آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ایسے ایسے شبد میں بھی آپ کو پریشان کرے گا. میں آؤں گا اس کا مطلب کیا ہے، پہلے آگے پڑھو. کہتا ہے کہ بھیا بھیم کو یہاں پہ 30,000 کی سیلری ملے گی، جو سیلری کا اماؤنٹ ابھی تک اس نے withdraw نہیں کیا ہے. تو ٹھیک ہے، ملے گی اور withdraw نہیں کیا. Profit for the year ending on 31st March prior to calculation of interest on capital but after charging Bhim salary, وہ کہتا ہے کہ 1,20,000 ہے. میرے بچے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پروفٹ آپ کو 120 کے بتا رہا ہے، اس کو نکالتے سمے ابھی انٹرسٹ آن کیپٹل تو مائنس نہیں کیا گیا ہے، لیکن بھیم کی سیلری، بھیم کی سیلری، اونر کی سیلری اس میں مائنس ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سمجھ گئے. آگے پڑھنا، اب پروویژن آف 5% آف پروفٹ از ٹو بی میڈ ان ریسپیکٹ آف کمیشن ٹو مینیجر. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے مینیجر کو ایک کمیشن پے کرنا ہے اور وہ 5% آف پروفٹ ہوگا. 5% آف پروفٹ، آپ پروفٹ ورڈ کو کیجیے انڈر لائن، پروفٹ کو کریں گے آپ انڈر لائن. کہتا ہے کہ پریپیئر این اکاؤنٹ شوئنگ دا اپروپریشن آف پروفٹ. بولتا بتاؤ پروفٹ کو کیسے آپ اپروپریٹ کرو گے، تو لکھو نا میرے ساتھ، یہ رہا آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ. ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ بنایا، یہ لیجیے آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اپروپریشن اکاؤنٹ. اور میرے بچے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہاں پہ آپ کا، یہاں پہ اپروپریشن اکاؤنٹ کا ہم نے فارمیٹ بنایا. اگر فارمیٹ کو سجانے کی عادت ڈالنی ہے تو آپ اس کو لکھیے پرٹیکولرس، یہ ہمارا پرٹیکولرس کالم ہوتا ہے، یہ ہمارا اماؤنٹ کالم ہوتا ہے، یہ اماؤنٹ کالم ہوتا ہے، اگین یہ ہمارا پرٹیکولر کالم ہوتا ہے، اور یہ آپ کا اماؤنٹ. سر اگر ہم ایگزام میں نہ سجائے تو کیا مارکس کٹیں گے؟ ہاں میرے بچے، اگر آپ 95, 98, 100 مارکس لانے والے ہو، اور اس کیس میں اگر آپ نے پراپر طریقے سے فارمیٹ نہیں لکھا تو آدھے ایک نمبر کٹنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کیا کریں کہ فارمیٹ کو اچھے طریقے سے لکھنے کا اور آپ کو سالو کرنے کا دونوں کو پریکٹس ساتھ ساتھ کیجئے. ابھی مجھے کانسیپٹ سکھانا ہے اس لیے میں نے فارمیٹ اتنا کام نہیں کیا، لیکن آپ کو ہر ایک چیز سیکھنا ہے تو آپ کو سب کچھ اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ہم لوگ یہاں کیا لکھتے ہیں جی، بائی نیٹ پروفٹ. کون سا پروفٹ، یا تو نیٹ پروفٹ لکھیں گے یا بائی پروفٹ لاس اکاؤنٹ، کوئی بھی لکھے کوئی دقت نہیں ہے. یہ کون سا پروفٹ ہوگا، جس پروفٹ کو پارٹنرز کے بیچ میں ہمیں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. سنو نا میرے ساتھ یہاں پہ ورکنگ نوٹس نمبر 1، ہمیں جس پروفٹ کو پارٹنرز کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے میرے بچے، ہم اس پہ یہاں پہ آتے ہیں. آپ کے پاس کوشچن میں ذرا چیک کرو، ایک پروفٹ آپ کو دیا ہوا ہے، دیکھیے کہتا ہے آفٹر بھیم سیلری، یعنی کہ کوشچن میں آپ کو پروفٹ جو بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آفٹر اس میں مائنس کر دیا گیا ہے
भीम भीम यानी कि एक पार्टनर है, उसकी सैलरी, उसकी सैलरी कहता है इसमें माइनस हो चुका है, और उसकी सैलरी को माइनस करके जो अमाउंट है वो कहता है कि 1,20,000। इसमें कोई भी डाउट ना हो कि मेरे बच्चे जिस प्रॉफिट को हमें यहां पर लिखना है वो टोटल प्रॉफिट होगा, और इसमें से भीम को यानी कि पार्टनर्स को सैलरी चार्ज करते हुए हमें यहां पर दिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, इस अमाउंट को निकालते समय पहले भीम का जो सैलरी है जो आप इसमें से माइनस कर चुके हैं आपको एड बैक करना पड़ेगा। तो 1,20,000 में जरा बताओ भीम की सैलरी कितना बता रहा है, भीम की एनुअल सैलरी 30,000 है। तो मेरे बच्चे ये आपका अमाउंट यहां पे आया और ये हो गया 1,50,000। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट हुआ, सुनो मेरी बात, 1,20,000 रुपए का जो अमाउंट है उसमें 30,000 कहता है कि आपका माइनस कर दिया गया है वो 30 जो हमें यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में दिखाना है। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, हम उसको पहले एडबैक करेंगे, पूरे 150 को यहाँ लिखा जाएगा और उसमें से हम क्या करेंगे फिर काम बढ़ाएंगे। ये मैं 150 यहाँ पे लिखता, सुनो मेरी बात, ये 150 मेरे बच्चे मैं यहाँ पे लिखता, लेकिन क्वेश्चन ने और एक गेम खेला हमारे साथ। पढ़ो ना क्वेश्चन का सेकेंड लास्ट लाइन, लास्ट में क्या बोलता रहा है, अ प्रोविजन ऑफ  5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट कहता है कि जो प्रॉफिट होगा उसका 5% मैनेजर को कमीशन के रूप में दिया जाएगा। पहली बात कि ये जो अमाउंट आपका है इसमें अभी कमीशन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड, इज टू बी मतलब अभी करना है, अभी ये प्रोविजन बनाना है, ये कमीशन देने की एंट्री अभी करना है, इज टू बी कीजिए अंडरलाइन। ये प्रॉफिट जो आपको बता रहा है मेरे बच्चे जो हमने निकाला 150 का, इसमें कहता है कि मैनेजर का जो कमीशन है अभी तक उसका अमाउंट अभी माइनस नहीं हुआ, इज टू बी अभी बनाओ, यानी कि ये जो प्रॉफिट हो गया ये हो गया बिफोर, ये हो गया बिफोर मैनेजर्स कमीशन। समझ लो मेरी बात, आपको शब्दों में आके समझने की कोशिश करना पड़ेगा। कहता है भैया ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट निकल के आया इसको निकालते समय मैनेजर का कमीशन अभी तक माइनस नहीं हुआ, इज टू बी अभी करना है। तो ठीक है, हमें पता है कि मैनेजर का कमीशन यहाँ पे नहीं आता, वो तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, तो मैं क्या करूंगा अब इसमें से वो मैनेजर्स कमीशन को माइनस करूंगा। मैनेजर्स कमीशन को माइनस करने का मतलब कि मैं एग्जामिनर को बताना चाहता हूं कि ये मैनेजर का कमीशन है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। और कितना कहता है, वो कहता है 5% ऑफ प्रॉफिट। मेरे बच्चे 5% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब ये प्रॉफिट होता है ना, जो प्रॉफिट आपका टोटल निकल के आया ये आपका 1,50,000 इसका 5% कह रहा है। समझ लो, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितना पार्टनर्स में के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका 5% कह रहा है, दैट कम्स टू 7,500 का अमाउंट। तो ये माइनस करके 1,42,500 का अमाउंट निकल के आया, ये होगा नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड जो हमें ट्रांसफर करना है, टू बी ट्रांसफर्ड टू कहां जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप समझ लो मेरी बात ना, और यही पैसा आप यहां लिखिए 142,500 का अमाउंट। सर एक बात बताओ, आप यहां पे नेट प्रॉफिट लिखना ज्यादा अच्छा है या बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट? मेरे बच्चे कुछ भी लिखो दोनों ठीक है, लेकिन आप बहुत जिद करना चाहते हो, बहुत जिद, तो फिर मैं यहां पे बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख देता हूं कि एक ही तरीके के हम फॉर्मेट को फॉलो करें, और ब्रैकेट में लिख देता हूं दिस इज नेट प्रॉफिट, ये हमारा नेट प्रॉफिट, ऐसे लिख दो, झगड़े ही खत्म हो गए। सर ब्रैकेट में ना लिखो तो काम चलेगा? चलेगा मेरे बच्चे, सबसे चलेगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई टेंशन की बात थोड़ी ही है। आओ ना, अब बोलते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो कहता है कि इनका रेशियो 3:2 होगा, कैपिटल ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है कि 5% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहां लिखिए 5%, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको दिया जाएगा, अर्जुन और भीम को। तो ये क्या होगा जी, अर्जुन का जो इंटरेस्ट है वो अर्जुन के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और भीम का जो इंटरेस्ट है वो भीम के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। जरा बताओ अर्जुन और भीम का कितना, 5% कहते हैं मेरे बच्चे, कैपिटल 4 लैक्स है, 4 लैक्स का 5% 20,000 होता है, और 3 लैक्स का 5% 15,000 होता है, ये अमाउंट टोटल यहाँ पे 35,000 का अमाउंट हुआ।
आप समझ लो मेरी बात ना, ये तो हमने पिछली क्लास में खूब सारी पढ़ाई ऐसे की थी। भीम को कहता है कि भैया सैलरी 30,000 देना है, तो आओ यहाँ लिखो टू सैलरी। ये सैलरी आपका कहता है किसको जी, भीम को। तो आप भीम के कैपिटल में जाकर इसको ऐड कर दो, कितना अमाउंट कह रहा है 30,000, तो आपने 30,000 यहाँ पे लिख दिया, भीम के कैपिटल में ऐड हो गया। सर कहता है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, इसका मतलब क्या है, आगे बताऊंगा, छोड़ो अभी उसको, बस अभी तो एप्रोप्रिएशन करो जो बोल रहा है, और हमें कुछ दिखा नहीं मेरे बच्चे। अब तो जो बच गया वो प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टू बैलेंस प्रॉफिट, टू बैलेंस प्रॉफिट जो है वो लिखे आप यहाँ पे ट्रांसफर टू किसको, अर्जुन कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा कौन आपका है, भीम कैपिटल अकाउंट में। तो आपका जरा बताओ कितना अमाउंट बच गया, इस पर मैं कैलकुलेटर को उठाऊंगा, मुझे डर लगता है मेरे बच्चे, मेरे हाथ पैर कांपते हैं जब मैं कैलकुलेटर का यूज नहीं करता ना, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, तो मैं वो नहीं होने दूंगा, एक्चुअली आदत खराब हो गई है। 12th क्लास तक ही एग्जाम में आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसके बाद आप बड़े बड़े कोई भी कोर्स करें, बीकॉम हो गया, सीए, सीएमए, सीएस, एमकॉम, एमबीए, कुछ भी करो, सब जगह ही अलाउड है। तो जब एक बार ये अलाउड हो जाता है ना बच्चे, जिस चीज की हमें आदत हो जाती है, वो चीज क्या करता है, हमारे दिमाग को आगे सोचने नहीं देता। बट आपको इसको यूज नहीं करना, आप फटाफट कैलकुलेशन करो दिमाग से, और मैं कैलकुलेटर से करूंगा, क्योंकि मैं इसका आदि हो चुका हूं, इसने मुझे अपने वश में ले लिया है। आप इसके वश में अभी मत जाना, ये तब जाना जब आप 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद। तो 142,500 का अमाउंट, इसमें 65,000 हटा दीजिए, तो आपका 77,500 का अमाउंट है। रेशियो क्वेश्चन में आपका 3:2 का दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 5 × आपका 3, ये 46,500 का अमाउंट हो गया, है ना, 3/5। और आपका इनके हिस्से में आ गया कितना जी, 31,000 का अमाउंट। ये प्रॉफिट का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, काम पूरा हो गया। आई बात समझ में सर, ये तो बात समझ में आई, लेकिन सर ये जो क्वेश्चन में कहता था कि प्रॉफिट विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चे? अगर मुझे आपको बस टरकाना हो ना, तो कोई यूज नहीं इसका, बस इतना ही बोलूंगा, लेकिन मेरा काम आपको समझाना है। मैं एक एक बारीकियों को समझाना चाहता हूं, आप पिछली क्लास से मेरी बात को लिंक करना, ये क्या है मैं आपको बताऊं, पहले ना इसको मैं ऐसे बंद करता हूं, और मैं ब्लू मार्कर उठाता हूं, ब्लू या रेड। ब्लू रेड का मतलब कि आपको लिखना नहीं, बस मेरी बातें सुननी है, क्या बोल रहा हूं मैं। ये देखो दो बंदे हैं, एक है अर्जुन, क्वेश्चन के अंदर में आपको लिखना नहीं, मेरी बात सुननी है, और एक है आपका भीम। मुझे बताओ इनका कैपिटल जो क्वेश्चन में बता रहा है स्टार्टिंग में कितना करंट ईयर में, सर इनका कैपिटल है 4 लाख रुपीज और इनका कैपिटल है 3 लाख रुपीज, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट के रूप में इनको 20,000 का अमाउंट मिला, इनको कितना मिला 15,000, जो भी मिलेगा वो उनके कैपिटल में एड हो जाएगा। सैलरी भीम को यहाँ पे 30,000 मिला, वो भी हमने क्या क्या अकाउंट में एड कर दिए। जो प्रॉफिट का अमाउंट है 46,500 और आपका 31,000, उसको भी हमने क्या क्या ऐड कर दिया, ये आपका आ गया टोटल अमाउंट। इसमें से अगर कुछ पैसा आप विड्रॉ किए हो, अगर इसमें से कुछ पैसा आपने विड्रॉ किया है, तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहके हम इसमें से माइनस करके फिर एंड का अमाउंट निकालते हैं। वो कह रहा है कि भैया भीम को जो सैलरी का अमाउंट मिला है उसने विड्रॉ नहीं किया है। अच्छी बात है, अगर आपने विड्रॉ नहीं किया है तो आपके अकाउंट में ऐड तो कर चुका हूं, अच्छी बात है। अगर विड्रॉ कर लेते तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट होता, हम उस ड्रॉइंग्स को यहां पे माइनस कर देते एंड का कैपिटल निकालने के लिए। ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं रहा है और ना ही बताएगा, ऑब्वियस बात है, जब आपने इनका पैसा विड्रॉ ही नहीं किया, जब ये पैसा निकाला ही नहीं, तो ड्रॉइंग्स कैसे होगा। और ड्रॉइंग्स के होने ना होने से मेरे बच्चे इस पे थोड़े कोई इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ ड्रॉइंग्स होता और फिर आपके पार्टनरशिप डीड में कहता कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करना, तो मैं उसको यहाँ पे चार्ज करता ना। आपने ड्रॉइंग्स की बात की कि कभी कोई ड्रॉइंग्स नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट की बात की, तो फिर झगड़ा नहीं रहा। इन शॉर्ट ये जो कहता है कि सैलरी का अमाउंट आपने नहीं निकाला, मतलब ड्रॉइंग्स हमारा क्या है जी, नील है, अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं है,
कोई झगड़ा थोड़ा ही करना, हम तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ड्रॉइंग्स होता अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया रहता, उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को मैं यहाँ पर लिख देता, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आप परेशान मत होना कि यार ये क्या बोल रहा है कि विच हैज नॉट बीन ड्रोन, नॉट ड्रोन, नॉट ड्रोन। हमारा काम आपको देना है, हमने आपके अकाउंट में एड कर दिया, जब मन तब आप पैसा निकालो, कौन रोकने वाला है। तो ये शब्द है जो आपको परेशान करना चाहते हैं। एट्थ भी हो गया, नाइन्थ भी हो गया, मेरे बच्चे आज जब मैं सुबह सो के उठा ना, सच्ची बता रहा हूं, जब सुबह उठा तो मैंने आप सबके चेहरे को आज से एक साल पहले का देखा, ग्यारहवीं क्लास का, इतना मासूम आपका चेहरा था, इतना मासूम चेहरा था कि मैं क्या बताऊं, आप सबके चेहरे से फूल खिल रहे थे। मतलब आपका चेहरा दिखा और लगा कि यार फूल कितने सारे खिलने शुरू हो गए। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके साथ आपके बचपन की यादें ताजा करूं। मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं जिसमें 11th क्लास यानी कि आपका बचपन एंड 12th क्लास यानी कि आपका बुढ़ापा दोनों एक साथ मिलाकर मैं उस क्वेश्चन को दिखाऊं। याद करते हो ना बचपन की बातें कि यार 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में लाइफ कितनी अच्छी थी, दोस्त कितने अच्छे थे। मैं भी याद करता हूं बट आपके साथ। तो मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे बुकलेट का, और यहां पे मैं क्या करूंगा, आपके आपके जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो 11th क्लास में पढ़ा था और 12th क्लास में जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उन सबको इकट्ठा करूंगा और थोड़ा मजा लेंगे हम लोग। आओ ना 6 क्वेश्चन पे आप एंट्री करो, 6 क्वेश्चन के ऊपर में। कहां गया मेरा मार्कर, इसमें भी तो कुछ नहीं है। नहीं जी, आप जरा आओ, बुकलेट का सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, पढ़ो जरा 6 क्वेश्चन क्या बता रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बचपन की यादें ताजा करेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो और मजे की बात है। कहता है कि याकूब एंड अमृत आर पार्टनर्स इन मेसर्स यमृत पकोड़ा, कैसा नाम है पकोड़ा, आप टेंशन ना लो, बस आप काम की बात करो। याकूब एंड अमृत आर पार्टनर्स इन मेसर्स, एमएस मेसर्स को कहते हैं, यमृत पकोड़ा शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। यमृत पकोड़ा उनके शायद फर्म का नाम है। अच्छा, ये फर्म में और पार्टनर्स में क्या फर्क होते हैं पता आपको, फर्म किसको बोलते हैं, पार्टनर्स किसको बोलते हैं, ऐसे ही समझाने का मन कर रहा है मैं आपको बता दूं। मैं और आप अगर हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू किया तो मेरे बच्चे मैं अकेला एक पार्टनर हूं, आप अकेले एक पार्टनर हो, लेकिन हम दोनों मिलकर जिस काम को करेंगे वही पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब दो या जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको मिलकर जो काम करना होता है उसी को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। अब सुनना, मैं कई सारे काम करता हूं अपने घर में, अपने बच्चों को भी देखता हूं, मम्मी पापा को भी देखता हूं, मैं खाना भी खाता हूं, मस्ती भी करता हूं, बहुत सारे काम करता हूं, वो मेरा काम है। आप भी ये काम करते हो, आपका काम है, ये फर्म का काम नहीं है। हम दोनों मिलकर जिस काम को करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब कानून ने कहा कि यार जब दोनों मिलकर कोई काम आप करते हो तो उस दोनों को मिलकर एक जो आदमी आपने क्रिएट किया, जो दोनों से मिलकर बनाए, आप उसको एक नाम दे दो। हमने नाम दे दिया, सीओसी नाम दे दिया, पकोड़ा नाम दे दिया, राम नाम दे दिया, कोई आपका रिलायंस नाम दे दिया, ये सब फर्म बन गए। तो सिंपली कोई बोले कि जरा बताओ पार्टनर्स में और फर्म में क्या फर्क है, बोलना कि पार्टनर्स इंडिविजुअली अगर हमें देख लो तो हम पार्टनर हैं, कलेक्टिवली हमें देख लो तो क्या फर्म है। जो भी काम कलेक्टिवली होता है उसको हम फर्म कहते हैं। तो हम फर्म के बुक में रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और कुछ खास थोड़ी है। पढ़ो ना यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है कि याकूब एंड अमृत, पढ़ लिया दोबारा पढ़ लेते कोई बात नहीं, याकूब अमृत आर पार्टनर्स इन यमृत पकोड़ा शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, रेशियो मेरे बच्चे इक्वल है। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस कहता है इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31st मार्च। क्या क्या बता रहा जी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स रिटर्न है, सैलरी वेजेज है, ध्यान रखना सैलरी एंड वेजेज, पहला वर्ड सैलरी है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। अगर कोई बच्चा जिसको नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम जानते जाते हैं, यानी कि अगर आपने 11th क्लास मुझसे नहीं पढ़ा हुआ है और 12th क्लास की क्लासेज आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो YouTube पे एक क्लास मैंने रखा हुआ है फाइनल अकाउंट बाय संतोष कुमार, आप उस क्लास को देख लो, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कौन सा आइटम ट्रेडिंग में, कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस में जाता है, वही बात है। तो आपका सैलरी वेजेज है, रेंट है, जनरल एक्सपेंस है, डेटर्स हमारे एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, कंप्यूटर एसेट्स है, मशीन एसेट्स है, बैंक में जो पैसे है, कैश और ड्रॉइंग्स, कहता है याकूब अमृत का। इस साइड में सेल्स आपका है, परचेज रिटर्न है,
सेंडरी क्रेडिटर्स है। कैपिटल अकाउंट कहता है याकूब अमृत का, नीचे कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च एंड बैलेंस शीट एज एंड दैट डेट अकाउंटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट को करते हुए स्टॉक एंड में कहता है कि आपका 50,000 का अमाउंट है, रेंट कहता है कि 10,000 पर मंथ आपका यहाँ पे टोटल रेंट है, एक मिनट, रेंट कहता है कि 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं ना, ऐसे क्यों देख रहा बदमाश, अरे एक साल में 12 महीने तो होते हैं, तो 10,000 के हिसाब से 12 महीने का रेंट कितना हुआ, 1,20,000। लेकिन चेक करो कि ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना है, 1,10,000, यानी कि 120 में 110 तो हम पे कर चुके हैं, 10,000 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स एंड कंप्यूटर 20% और मशीनरी कहता है कि 10% और कहता है कि अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जी, 6% पर एनम। बोलता बताओ क्या करेंगे, मैं करता हूं यहाँ पे, मैं बस बचपन की यादें ताजा करूंगा, कुछ खास तो है नहीं, तो आप मेरे साथ एक बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट, और इस ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत ज्यादा नहीं, आपको 6 से 7 लाइन जगह छोड़ना है, या फिर चाहो तो 8 लाइन भी जगह ले लो रजिस्टर का, ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। फिर आप मेरे साथ यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कशन किया था कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आते हैं, तो उसी डिस्कशन को अब हम लोग क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। प्रॉफिट लॉस थोड़ा बड़ा बना लीजिए, मतलब इसमें बाकी का जो पेज है इस रजिस्टर का उसको यूज कर लो। फिर अगले पेज के आधे पे आप बनाए, आधा से थोड़ा कम जगह यूज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या लिख दिया मैंने, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना, ये आधे से कम जगह यूज होगा। और फिर आप क्या करो, यहां पे आप क्या करना, बैलेंस शीट बना लीजिए, आप बैलेंस शीट आप बनाएंगे साल के एंड में एज ऑन 31st मार्च, है ना, जो भी ईयर दिया हुआ आपका 2019, तो आपने क्या क्या यहाँ पे बैलेंस शीट बना लिया, 1920 जो भी होगा, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है मैं वही काम कर रहा हूं, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे रेडी किया। अब शुरू करते हैं जी हम लोग यहाँ पे, चेक कीजिए मेरे साथ, क्वेश्चन के अंदर में आपका यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, मैं इसको हाथ में ले लेता हूं, ओपनिंग स्टॉक यहां लिखेंगे आप, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, फैक्ट्री तक के जितने सारे खर्चे हैं, रॉ मटेरियल हो चाहे आपको फैक्ट्री तक के खर्चे सब यहां आते हैं, 45,000। इसके बाद कहता है परचेजेज, तो आप यहां परचेजेज लिखें, और अगर कोई परचेज रिटर्न है सर, तो आप यहां पे नेट अमाउंट लिखो, नेट अमाउंट का मतलब होता है परचेज देखो 760 है और परचेज रिटर्न दूसरे साइड में 10 है, तो नेट अमाउंट कितना हो गया, 7,50,000। सर इसको लेस करके नहीं दिखाएंगे, लिख सकते हो परचेज का टोटल अमाउंट 760, लेस रिटर्न 10, और मतलब बाहर तो 750 ही आएगा। इसके बाद कहता है सेल्स रिटर्न, मैं अभी यहाँ पे नेट सेल्स रिकॉर्ड कर लेता हूँ, नेट सेल्स, सेल्स आता हूं ना मुझे ट्रेडिंग में, नेट सेल्स का मतलब क्या, सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स देखो 12,50 है, 12,50,000 क्रेडिट में और रिटर्न कहता है 25, तो ये 12 लाख एंड 25,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया, नेट सेल्स आपका हो गया। फिर सैलरी एंड वेजेज है मेरे बच्चे, सैलरी वेजेज में पहला वर्ड सैलरी है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, तो हम यहां रिकॉर्ड करेंगे सैलरी एंड वेजेज, अगर पहला वर्ड वेजेज होता तो मैं ट्रेडिंग में लिखता, इंपोर्टेंस के मुताबिक लिखना होता, जरा चेक करो नीचे में कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं बता रहा है, नहीं सर, ठीक है आगे बढ़ेंगे आप, ये हमने क्या किया सैलरी वेजेज हो गया। रेंट आप देखो टू रेंट, मुझे बताइए रेंट जो आपने पे किया है वो ट्रायल बैलेंस में कितना बता रहा है, 1,10,000, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है आपका वो कितना है 10, तभी तो 10,000 के हिसाब से पूरे साल का रेंट कितना बनेगा, 1,20,000। 120 में जो पे कर चुका हूं वो तो कैश में से माइनस हो चुका होगा, जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारी लायबिलिटी बन गई, और आउटस्टैंडिंग रेंट को हम बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी यहां रखेंगे, जब पे करेंगे तब इसको खत्म कर देंगे। इसका डिटेल मैं नहीं समझा सकता, 11th क्लास की बात है, आगे पढ़ना। रेंट भी हमारा हो गया, जनरल एक्सपेंस ये भी यहीं पे आ गया मेरे बच्चे, जनरल एक्सपेंस ऑफिस के खर्चे होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस इस पे
तो कोई एडजस्टमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, तो जनरल एक्सपेंस आप 35,000 के अमाउंट को आप यहाँ रिकॉर्ड कीजिए। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, कोई एडजस्टमेंट इसमें रहा नहीं, तो डेटर्स का अमाउंट आप यहाँ पर लिखो एज एसेट्स। कितना अमाउंट बता रहा है? 2 लाख रुपीज का अमाउंट। ये 2 लाख रुपीज का अमाउंट आपका हो गया डेटर्स का। फर्नीचर, ये भी हमारे एसेट्स हैं, यहीं पे आपके आएंगे। फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स, कितना शॉर्ट में फर्नीचर 50 लिख दो, यहाँ पे एडजस्टमेंट है उसको ध्यान देंगे। नीचे में कहता है कि पॉइंट नंबर 3 में फर्नीचर को आपको 20% से डेप्रिशिएट करना है, तो आओ ना माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन 20%, इसका 20% 10,000 हो जाएगा। बाहर कितना रह गया? 40,000। और जो आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, 2 depreciation ऑन फर्नीचर। हमने फर्नीचर पे क्या किया? यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। कितना जी? 10,000 का अमाउंट। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर भी आपका हो गया। फिर कहता है कंप्यूटर 2,20,000 एसेट्स है, यहीं पे आपका आएगा बैलेंस शीट के अंदर में। कंप्यूटर कुछ एडजस्टमेंट है सर? हाँ, इस पे भी 20% का डेप्रिसिएशन है। तो 2,20,000 का जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस उसको लिखो यहाँ पे, और इसमें डेप्रिसिएशन 20% यानी कि 44,000 को माइनस करो, यानी कि आपका कितना हो जाएगा जी? तो 2,20,000 माइनस आपका 44,000, ये अमाउंट आ गया 1,76,000। ये आपका 1,76,000। और जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे, 2 depreciation ऑन आपका कंप्यूटर, 2 depreciation ऑन कंप्यूटर, और ये अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे? 44,000। समझ रहे हो मेरी बात ना सर? हाँ सर, आगे बढ़ो। मशीनरी कहता है कि 3 लाख का है, एसेट्स है बैलेंस शीट में लिखे, मशीनरी भी अंदर में, इस पे भी डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है, तो इस पे 10% का डेप्रिसिएशन है। जरा बताओ 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। बाहर कितना रह गया? 2,70,000। और ये जो 30,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो यहां चला गया, 2 depreciation ऑन मशीन। हमने मशीनरी पे 30,000 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसके बाद और आगे बढ़िए, बैंक एंड कैश। मेरे बच्चे बैंक हमारा एसेट से यहां चला गया, कितना जी? 75,000। कैश हमारा एसेट से यहां चला गया, कितना बता रहा है? 25,000। ड्रॉइंग्स छोड़ दो, हम कैपिटल में एडजस्ट कर देंगे, बाद में देख लेंगे। पहले क्रेडिट साइड में आइए, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो आप यहाँ पे सन्ड्री मतलब कई सारे यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, और टोटल अमाउंट कितना बता रहा है ये? 90,000 का अमाउंट है ना, ये आपका हो गया। और फिर कहता है आपका कैपिटल, चलो मैं अभी कैपिटल की बातें बाद में कर लेता हूँ, बाद में मतलब जगह मेरे पास है ना, कोई बात नहीं। नीचे रहा और क्या बच गया? कैपिटल की बातें मैं कर लूंगा, पहले आगे बढ़ो, कुछ समझाना इसलिए मैं छोड़ रहा हूं उसको। पॉइंट 1 में क्लोजिंग स्टॉक कहता है कि 50,000 है। आप जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ये अमाउंट कितना है जी आपका? 50,000। और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं स्टॉक। क्यों दिखाते हैं? रीजन नहीं बताऊंगा, 11th क्लास का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा या आप उस क्लास को देख लो, समझ में आ जाएगा। कितना है जी? 50,000 का अमाउंट यहाँ पे, ये हमारा स्टॉक हो गया। रेंट का काम हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो तो आपका एप्रोप्रिएशन की बातें हैं। तो मैंने अभी एप्रोप्रिएशन और कैपिटल की बातें छोड़ दी हैं, बाकी सारी बातें मैं एक बार चेक कर लूं कि हमारा क्या निकल के आता है। जरा जल्दी से बताओ आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया? इस साइड टोटल आपका हो गया 12,75,000 का अमाउंट, 1275। आपने 12,75,000 में 1275 में आप माइनस कीजिए, 12,75,000 में माइनस 7,50,000 और माइनस आपका यहां पे 45,000, तो ये अमाउंट आ गया 4,80,000 का, 480। ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आपका। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहां लिखते हैं, आप साथ साथ लिखेंगे, आपको आगे पीछे नहीं, ये नहीं कि पहले सर कर ले फिर मैं करूंगा या मैं करूंगी तो फिर गंदा लगता है मेरे बच्चे, आपको स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये आ गया आपका आपका नेट प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड लिख दिया शॉर्ट में TRF टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही होता है ना आपका।
अभी तक तुमने ये सीखा। तो जरा बताओ 480 का जो जीपी का अमाउंट आपका है 4,80,000, उसमें से आप माइनस कीजिए, एक तो 180 का सैलरी वेजेज हो गया, रेंट आपका 1,20,000 का अमाउंट हो गया, फिर आपका 45,000 का अमाउंट आपका हो गया 45,000, फिर आपका 44,000 का अमाउंट हो गया, और एट लास्ट एक आपका 30,000 का अमाउंट हो गया। तो मेरे बच्चे ये आ गया आपका 61,000, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है ना। इसी नेट प्रॉफिट को आप यहां लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या बोल दिया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से जो अमाउंट आपका आया दैट इज हाउ मच, 61,000। आओ ना अब इस 61,000 को पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर द एग्रीमेंट, जिस तरीके का इनके बीच में एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में क्या बोलता है जी कि पॉइंट नंबर फोर्थ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना 6%, और इनका प्रॉफिट रेशियो क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग बता रहा क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में इक्वली, ठीक है। पहले हम इंटरेस्ट दे दें तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट का रेशियो हमेशा लास्ट में अप्लाई करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम लोग क्या करेंगे, दो पार्टनर है जी, नाम क्या क्या था इनका, याकूब, तो याकूब का जो इंटरेस्ट है वो याकूब के कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और जो आपका दूसरा बंदा है अमृत, वो अमृत के कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक्चुअली ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है, प्रॉफिट का अमाउंट इस नाम से उनके कैपिटल में ऐड किया जा रहा है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6%। कैपिटल बताओ, देखो याकूब का कैपिटल आपका 4 लाख का अमाउंट है, तो मेरे बच्चे 4 लाख का अगर हम 6% निकालते हैं तो ये हो गया 24,000। और अमृत का जो 3,85,000 का अमाउंट है, उस 3,85 का अगर 6% निकालते हैं तो ये आ गया 23,100 रुपीज का अमाउंट, यानी कि 47,100 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रुप में प्रॉफिट दे दिया। सुना मैंने क्या बोला, 47,100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में आपने प्रॉफिट दे दिया, मतलब प्रॉफिट में से इतना अमाउंट एज इंटरेस्ट आपको दे दिया गया। फिर जो बैलेंस बच गया, बैलेंस आपका ट्रांसफर्ड, बैलेंस ट्रांसफर्ड टू, अरे मैं एक चीज बताना भूल गया, अभी जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा मुझे याद दिला देना, पिछली क्लास का टॉपिक था मैं भूल गया, मैं भी बता दूंगा। बैलेंस ट्रांसफर टू किसको जी, याकूब, अभी आप मुझे याद दिला देना, एक बार चिल्ला देना मैं सुन लूंगा, ठीक है ना, याकूब और अमृत, पिछली क्लास में एक चीज बताना था मैं भूल गया, तो आप मुझे याद दिला देना, ठीक है ना, याकूब एंड अमृत। अब क्या होगा जी, तो 61,000 में से आपने 61,000 के प्रॉफिट में से आपने माइनस किया है कितना, 47,100, इतना तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। जो 13,900 का अमाउंट बच गया, ये हमें इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि हाफ आप 6950 एंड 6950, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, 61,000 एंड 61,000। मुझे पिछली क्लास में एक बात आपको बतानी थी, पता नहीं कैसे निकल गया, तो मैं कहीं आप ना बता पाओ, मतलब याद ना दिला पाओ, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे के मतलब पिछली बातें कुछ ऐसा होता है, मुझे याद रह जाएगा, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये काम हो गया, हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब मेरे बच्चे मैं बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनना, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में दो आदमी है, एक तो याकूब, पहले मैं याकूब की बात करूं, जरा बताओ याकूब का कैपिटल कितना बता रहा है, ये देखो आप ट्रायल बैलेंस में पहले से जो आ रहा है 4 लाख का अमाउंट यहां लिख दिया, 4 लाख ये कैपिटल था, 4 लाख में से जरा बताओ अब उनको क्या क्या मिला जी, उनके अकाउंट में एड करो, तो हमने क्या क्या इंटरेस्ट दिया, यानी कि ये जो याकूब का कैपिटल है, याकूब कैपिटल, ये जो याकूब का कैपिटल था मेरे बच्चे, इसमें आप ऐड करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको अभी मिला है, जो उनके अकाउंट में ऐड हो जाएगा वो कितना है, 24,000। और क्या मिला याकूब को, शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में उनको शेयर कितना मिला जी, 6950। तो इनका टोटल अमाउंट कितना होगा जरा चेक करो आप, 6950 प्लस 24,000 माइनस आपका 4 लाख का अमाउंट, ये हो गया आपका 3,69,050 रुपीज।
मेरे बच्चे इतना कैपिटल था, लेकिन आउट ऑफ ये उन्होंने कुछ ड्रॉइंग्स भी पूरे साल में कर ली है। ड्रॉइंग्स जरा देखो ना, ट्रायल बैलेंस, वो याकूब का ड्रॉइंग्स, यानी कि आउट ऑफ इतना वो पूरे साल में 60,000 विड्रॉ कर चुके हैं, यानी कि अब उनका कैपिटल कितना रह गया, 3,09,050 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, उसी तरीके से जो सेकंड पार्टनर है अमृत, अमृत का आप चेक करो, अमृत कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, अमृत कैपिटल आपका, अमृत का कैपिटल क्वेश्चन में मेरे बच्चे 3,85,000, ये लिखा हमने 385। उसी तरीके से जो भी कुछ आपने उनको दिया ऐड कीजिए, जैसे कि आपने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, शॉर्ट में लिखता हूं IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमृत को कितना मिला, 23,100 का अमाउंट। फिर आपका शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट जरा बताओ, प्रॉफिट में इनको शेयर कितना मिला, 6950। इन्होंने भी इसमें से कुछ पैसे ड्रॉइंग्स कर लिए हैं, ड्रॉइंग्स जो पैसा निकाल लिया है पूरे वर्ष में कितना है जी, 50,000। ये 50,000 आप इसमें से माइनस कर दो, बताओ जो कैपिटल स्टार्टिंग में था उसमें इतना इंटरेस्ट ऐड हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, और 50 आप पूरे वर्ष में निकाल चुके, तो आपका कैपिटल कितना रह गया, 385 प्लस 23,100 प्लस आपने 6950 और इसमें माइनस कर दिया आपने कितना, 50,000। तो मेरे बच्चे आ गया 3,65,050 रुपीज का अमाउंट। बस काम पूरा हो चुका है, मैं अब इसको क्लोज करूंगा। अगर मैं और आप दोनों सही होंगे तो पक्का है कि ये दोनों सेट टैली करेगा। आओ ना चेक करते हैं कितना निकल के आ रहा है, 365.50 प्लस 309,050 और प्लस आपका 90 प्लस 10 1 लाख रुपीज का अमाउंट मेरे बच्चे हो गया 7,74,100 का अमाउंट, 7,74,100। इधर कितना आ रहा जी, चेक करते हैं, 2,40,000, 1,76,000, 2,70,000, 75 प्लस 25, कुछ गलत हो रहा है क्या, ये 100 कहां से आ गया इसमें, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वो चेक कर लूं, कुछ गलत नहीं, अभी तो ठीक तो दिख रहा है। अमृत में 23,100 रुपए ऐड हो गया, 6,950 हो गया, कुछ यहाँ के क्वेश्चन तो गलत नहीं है, एक बार चेक कर लूं मैं, कितना रही, 3,85,385 प्लस 23,100 प्लस 6,950 और इसमें से माइनस कर दिया 50,000। ठीक तो है, मैं ना कुछ गलती कर रहा हूं, शायद कैलकुलेशन गलती कर रहा हूं, मैं क्या बताऊं, मैं देख के आता हूं क्या गलतियां कर रहा हूं। ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट में। हाँ बच्चे माफ कीजिए, मुझे गलती मिल गई, मैं बदमाश था। इन तीनों को ऐड करना, इसको माइनस करना, इतना नहीं आएगा। ये अमाउंट जो आपका बन रहा है वो 3,70,950। मैं जानता हूं आप चिल्ला चिल्ला के मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे बट मैं सुन ही नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस आपका 365,050 प्लस आपका 1 लाख का अमाउंट है ना, यानी कि 836 इधर निकल के आ गया, माफ कीजिए 8,36,000 का अमाउंट यहाँ निकल के आ गया। और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कितना हो गया जी आपका, फिर ये भी सेम आना चाहिए मेरे बच्चे, 40,000 का अमाउंट, फिर 176, मैंने कहा था ना कैलकुलेशन मेरा बहुत गंदा है, 176 का अमाउंट, 2,70,000, 2,70 और 150, बस 8,36,000, 8,36,000 दोनों से टैली कर गया। तो ये मतलब हमने क्या किया, बचपन की यादें ताजा की। सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आ जाने दो, अगर आ गया तो और मजे की बात है, कुछ नया थोड़ा ही है, नहीं आया तो भी ठीक है आपका, है ना। हमें सिलेबस में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया आपका। ठीक है, अरे हाँ, ये पिछली क्लास की एक बात थी,
आप जरा एक काम करो, पिछले क्लास में जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था एंड जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एक साथ मैंने बनाया था, जिसमें कि एक पेज पे आपने दोनों बनाया था, फिर बीच में पेज हमने छुड़वाया था, फिर अगले पेज पे जो स्टार्टिंग था आपका, उसको स्टार्ट निकालिए, निकालो निकालो। मैं पिछली क्लास में कुछ बताना थ्योरी का भूल गया था, आप उसको निकालो और देखो क्या है यहाँ पे। मैं यही समझा रहा हूं, आप वहां पर लिख लेना। पता है जो भी आइटम्स आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहां पे आप रिकॉर्ड करते हो, माफ कीजिए यहां तक, या फिर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में जितने भी एक्सपेंसेज आप डेबिट में दिखाते हो, इन सबको हम कहते हैं मेरे बच्चे चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। ये थ्योरी भी बनता है, मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी कि एग्जाम बोलेगा राइट ए शॉर्ट नोट्स या डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द सेकंड। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जितने भी खर्चे, जितने भी एक्सपेंस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आप लिखते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट को निकालते वक्त, नेट प्रॉफिट को निकालते वक्त जिन खर्चों को भी आपने डेबिट में दिखाया उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट को कर लो अंडरलाइन। आप यहां भी लिख सकते हो और उस क्वेश्चन में भी जो मैंने पिछली बार कराया था, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स थे एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट लॉस में जो नाम लिखा था प्लस और जो भी नाम आएंगे सबको क्या बोला जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और मेरे बच्चे ये जो आपका एप्रोप्रिएशन में जो नाम आते हैं, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, पार्टनर्स का कमीशन हो गया, प्रॉफिट, इनको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑफ प्रॉफिट। आप समझ लो, वहां भी लिख लो यहां भी लिख लो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट को निकालते समय जितने भी चीजें एक्सपेंस के रूप में आप दिखाते हो उसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। इस पे, इन शब्द पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं मेरे बच्चे, दिखाऊंगा अभी आगे मैं, जहां पे क्वेश्चन शब्दों में आपको कंफ्यूज करेगा। आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ध्यान रखना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस आप दिखाते हो उनको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, और एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी आप प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन दिखाते हो उसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। बात समझ आ रही है? इसकी थ्योरी है मेरे बुक में, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी। ऐसे आप देख सकते हो आपका यहाँ पे मेरी बुक में वो कहाँ चला गया, चार्ज कहीं है, मैं अभी आऊंगा आगे तो देखूंगा उसमें क्यों टाइम में बात करें, ढूंढना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये थ्योरी बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, मैं इसके आगे इसके बारे में अभी डिस्कशन करूंगा, तो आप प्लीज कॉपी कर ले यहाँ पे। एक चीज और, अब मैं कुछ बता रहा हूं ब्लू से, लिखना नहीं है मेरी बात, बस ध्यान सुननी है, लिखना बंद करो, लिखना बंद, लिखना बंद, लिखना बंद, सुनो, नजर यहां, नजर यहां, याद करो बचपन की बातें, जब आप 11th क्लास में अभी कदम रखे थे उस समय आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सर ने आपको सिखाया था पहला चीज अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, याद है आपको? आपके सर ने कहा था कि डेफिनेशन जो शुरू होता अकाउंटिंग का वो होता अकाउंटिंग इज एन आर्ट, कला, कला मतलब कलाकारी, आर्टिस्ट बनना। पता है ये जो हमने कैपिटल में, जो याकूब के कैपिटल में ये जो प्लस किया, ये सब जो माइनस किया, ये कोई कलाकारी नहीं है मेरे बच्चे, ये तो गंदा मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया हुआ है कि आप क्या करो जी, इस बैलेंस शीट में ये ऐड करो, ये करो। पता है एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है, इन सबको प्लस माइनस करने के लिए हम लोग इसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सुनो, मैं आगे के लिए तैयार कर रहा हूं, अभी आपको लिखना नहीं है, आप सुन लो मैं क्या बताना चाहता हूं मेरे बच्चे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है तो दोनों का अकाउंट बना लूंगा, एक तो याकूब का, एक आपका अमृत का, अभी आप नहीं बनाएंगे, आप बस सुन लो। और जो भी चीजें आप यहां प्लस माइनस कर रहे हो ना बच्चे, वो हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट में ही प्लस माइनस करके और क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसको डायरेक्टली यहां पर हम रिकॉर्ड कर देंगे। वो कैसे होगा, उसका क्या तरीका है, वो कैसे काम करेगा, वो सारी बातें आगे के विषय है, चर्चा करेंगे हम आपके साथ। सच्ची कसम कर रहा हूं, देखो मैं आपके एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़ूंगा नहीं। जिस बच्चे ने पूरे क्लास को, पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से स्टडी कर लिया, ब्रह्मा जी भी अगर जमीन पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भैया इसके एक नंबर काटूंगा, पॉसिबल नहीं है, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं होगी। बशर्ते कि क्लास को बहुत इन डेप्थ आप उसको स्टडी कीजिए, इंजॉय कीजिए अकाउंटेंसी को, बहुत मस्त चीज है। क्लास में आज यहीं पर रुकूंगा मेरे बच्चे, क्लास आज यहीं पर रुकूंगा, अगली क्लास में जब मैं आपके साथ मिलूंगा तो अभी हमें पार्टनरशिप डेट ना हो तो फिर क्या होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के और केसेस क्या हो सकते हैं, इन बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें आपसे कहनी है, समय थोड़ा गुजरने दो ना,
समय थोड़ा और बीतने दो ना, अगली क्लास में इसका डिस्कशन करते हैं। अभी आप मेरे बुक के या किसी भी बुक के किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे, इसको खत्म हो जाएंगे। कई सारे बच्चे मुझे बार बार फोन करके बोलते हैं कि सर इस बुक को मैं फॉलो करूं, इस बुक को फॉलो करूं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दुनिया में जितने भी बुक्स हैं उसमें जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं सब कुछ मैंने बुक में कवर किया हुआ है। आप पहले इसको फिनिश करो ना, इसको खत्म करो ना, आपके अंदर में आत्मविश्वास इतना भर जाएगा कि अगर आग में भी आप कूद जाओ तो आग को भी जलना पड़ेगा, आप नहीं जलोगे। करके देख लेना, मैं झूठ नहीं बोलता। आप मेरे बुक को खत्म कर जाओ और खत्म करने के बाद किसी भी कितने भी भयंकर आग में आप कूद जाओ, आप बिलीव करो वो आग जलेगा, आप नहीं जलोगे। वो शक्ति आपको अंदर भरने वाला हूं। आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक मेरे सारे बच्चों को बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।